कोरोना संकट में दतिया के पीताम्बरा पीठ से आई है एक बड़ी खबर। दतिया को पीताम्बरा माई को मंदिर एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लाने बंद कर दो गो है। ऐसो इसे भाव है काय के दतिया में एक संगे 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। लंबे टाइम बाद सोमवार को मंदिर खोले गए तो श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग के संगे दर्शन कराए जा रहे थे, लेकिन देर शाम दतिया के एक बैंक में बड़ी संख्या में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये कर्मचारी दतिया में अलग अलग कॉलोनियों में निवास करत और ज़्यादातर ये कॉलोनियाँ और ज़्यादातर इलाके मंदिर के आसपास हैं और यही वजह से अब मंदिर को दोबारा बंद कर दो गए है। जो इस एरिया में 10 पॉजिटिव पेशेंट निकले हैं कोरोना के, उसकी वजह से, पर मैं मानता हूँ यह मंदिर का बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि कल से दर्शन होना शुरू हुए थे। निश्चित रूप से जो भक्त हैं उनकी भावनाएं आहत कहीं ना कहीं होगी, लेकिन जब कहते हैं जीवन है, जीवन जग है तो जहान है, जब अपना जीवन ही रहेगा तो अपन इसके लिए। और सोमवार को 10 कोरोना पॉजिटिव मिले, इनमें से एक ग्वालियर को निवासी है, बाकी सब दतिया के, और एक चलते अब पूरे मंदिर के आसपास की तमाम कॉलोनियां सील कर दी गई हैं। आज हम लोगों ने, कल रात से ही हम लोगों ने नागर शुरू कर दिया था, कंटेनमेंट एरिया घोषित करने की क्या चालू हो गई। कल रात में हमने फाइनल कर लिया था, उसके बैरिक करी करके सैनिटाइज करने की प्रक्रिया जारी है। जो लोग हैं कंटेनमेंट एरिया में, कोशिश ये की गई है कि कम से कम लोग उसमें कंटेनमेंट एरिया में रहें, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनकी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको सुनिश्चित कराने के लिए ड्यूटी लगाई जा चुकी है, पुलिस बल तैनात है। अभी तक दतिया में कुल कोरोना के 20 पॉजिटिव केस हैं, जिनमें से 13 एक्टिव हैं, लेकिन जी तरीके से लॉकडाउन खुलवे के बाद परिस्थितियां बिगड़ी हैं, वे परेशान करने वाली हैं। और एक ये बहुत बहुत बड़ा दतिया के अंदर कोरोना पेशेंटों का विस्फोट हुआ है, इससे हम चाहेंगे कि लोगों में जागरूकता फैले और भय पैदा हो, इसलिए अभी मंदिर को बंद रखना चाहिए। सरकारों ने लॉकडाउन खोलने की तैयारी करी, मंदिर भी खुल गए, लेकिन जी तरीके से छोटी छोटी जगहों में अब बड़ी संख्या में केस आ रहे, वे चिंता में डालने वाले हैं। और दतिया के लाने एक ही बैंक के इतने पॉजिटिव केसों को आ वो बड़ी चिंता की बात है।